उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हमारी खास पेशकश में बात होगी एक राजनेता की। वे एक आंदोलनकारी थे, वे एक राजनीति के युग थे, वो राजनीति में शुमार एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आजादी के लिए आंदोलन में ना सिर्फ अपनी पूरी ताकत झोंक दी बल्कि उन्होंने एक ऐसी चिंगारी को शोला बना दिया जिसे सिर्फ एक देशभक्त ही कर सकता है। युवा थे तभी राजनीति की शुरुआत हुई और बाद में वो खुद एक सफल राजनेता बन गए। तमाम उतार और चढ़ाव के बाद भी उनकी राजनीतिक क्षमता पर आज भी हम सवाल नहीं उठा सकते। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और उनकी मृत्यु इलाज के दौरान 17 मार्च 1989 में हुई थी। उनकी माता का नाम दीपा बहुगुणा था और पिता का नाम रेवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बेटी रीता इस वक्त कांग्रेस की नेता हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड में ही हुई लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973 से 29 नवंबर 1975 तक यूपी के सीएम भी रहे। वो हेमवती नंदन बहुगुणा उन्हें कैसे भूल सकते हैं? आज उन्हीं मुद्दे पे, उनके राजनीतिक करियर पे और उनकी सफलता असफलता के तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सुनील नेगी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेद विलास जी भी वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों से आज उनके मुद्दे पे बात होगी कि एक राजनेता जो सफलता के हर एक बिंदु पे गया, हर एक चरम को छूता है, हम से याद करेंगे। नमस्कार, मैं सबसे पहले हिमालय न्यूज़ को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। लोकतंत्र और समाजवाद के सच्चे प्रतीक थे, जो देश में धर्म निरपेक्षता के एक आलम्बरदार थे, जिन्होंने देश में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए बहुत कुछ किया और यही नहीं बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया अपने संघर्षों के बाद जिसे आज तक लोग याद रखते हैं। बहुगुणा सही अर्थों में एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट थे। गांधी नेहरू के बाद, गोविंद बल्लभ पंत के बाद, अगर सही अर्थों में इस देश में एक पारदर्शी व्यक्तित्व राजनीति में पैदा हुआ जयप्रकाश नारायण जी के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ वो हेमवती नंदन बहुगुणा हैं। मुझे इस बात का बेहद अपने आप को गर्व महसूस होता है, सौभाग्य भी प्राप्त था कि मैं 1979 से और निरंतर जब उनकी मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु 1979 तक, उनके साथ मुसलसल रहा राजनीतिक रूप से भी और एक बतौर पत्रकार के रूप में। उन्हें बहुत ही करीबी से मैंने देखा और समझा। जो सबसे बड़ी और अहम बात मुझे बहुगुणा जी के बारे में देखने को मिली, समझने को मिली, वो ये थी कि बहुगुणा जी ने जन्म लिया एक साधारण से परिवार में। उनके पिता जिस समय इस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में गुलामी का दौर चल रहा था, उस समय 1919 में 25 अप्रैल को हेमवती नंदन बहुगुणा ने बुगानी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव बुगानी में जन्म लिया और उसके बाद, जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में की। उसके बाद वो
उस दौर में, उस आंदोलन में नेहरू से, लाल बहादुर शास्त्री से इस कदर प्रभावित हुए कि अंततोगत्वा उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इलाहाबाद कूच किया, और इलाहाबाद जाने के बाद मजदूर आंदोलन के जरिए, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट के जरिए, और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1942 में गांधी जी के साथ वो स्वराज्य के आंदोलन में कूदे, और आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य हो कि उस वक्त जिस समय 10,000 रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी, अंग्रेज़ों ने बहुगुणा के खिलाफ 10,000 रुपये का जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा था। जिस व्यक्ति के खिलाफ उस ज़माने में अंग्रेज़ी हुकूमत ने 10,000 रुपये का इनाम रखा हो, वो कितनी बड़ी शख्सियत रही होगी। एक छोटे से पटवारी परिवार से पैदा हुए बहुगुणा ने, जिनके पिता स्वयं अंग्रेजी हुकूमत के राज में एक पटवारी थे, बाद में तहसीलदार बने, उनकी भी अवहेलना इस देश के को स्वराज दिलाने के लिए उन्होंने इलाहाबाद कूच के, इलाहाबाद जाके मजदूरों के आंदोलन में कूदे, स्वराज्य के आंदोलन में कूदे, और अंग्रेज़ी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए, और अंततोगत्वा उन्हें सुल्तानपुर जेल रहना पड़ा, इलाहाबाद की जेलों में रहना पड़ा। और आप समझिए कि उनका जो पूरा जीवन रहा 1947 से पहले, आज़ादी मिलने से पहले, भरपूर संघर्षों का रहा। एक व्यक्ति गांव से निकल के उस ज़माने में जब सुविधाओं का अभाव था, इलाहाबाद पहुंचता है, इलाहाबाद में मजदूरों के साथ आंदोलन करता है, ट्रेड यूनियन चलाता है, उसके बाद छात्र संघ में चुनाव लड़ता है, अध्यक्ष का चुनाव जीतता है, और इस तमाम लड़ाई में ना तो उनके पास पैसे होते हैं, सारी धनोपार्जन भी खुद ही करते हैं, और अंग्रेज़ों से लोहा लेकर के जेलों में कई महीनों कैद रहते हैं, और इस प्रकार से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो भूमिका अविस्मरणीय रही है। बहुगुणा सही अर्थों में न सिर्फ एक संघर्षशील राजनेता थे, एक संघर्षशील आंदोलनकारी थे, इस देश को स्वराज्य की लड़ाई में आज़ादी दिलाने वाले एक बहुत बड़ा योद्धा थे, एक सफल राजनेता के रूप में गए, जिसने कभी समझौता नहीं, हमेशा संघर्ष की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए इस देश में एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो राजनीति सही अर्थों में इस देश में समाजवाद का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है, धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है, और इसके साथ साथ संघर्ष के अध्याय को शुरू करती है। वेद बिलास जी, जब एक छोटा सा बच्चा जब अपने बारे में सोचता है, अपने माँ बाप के बारे में सोचता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जब सोचना शुरू करता है, उसी वक्त वो आ जाते हैं इलाहाबाद में, और जब वो एक छात्र संसद का गठन करते हैं जिसके प्रधानमंत्री वो खुद बन जाते हैं उसी छोटी सी उम्र में, जब वो युवा हो रहे थे शुरुआत में, तो वहाँ पर एक सोच पता चलती है कि क्या बचपन से ही उनके अंदर राजनीति करने की क्षमता थी। बिल्कुल, वो देखिए बहुत बड़ी बात है कि आज का उत्तराखंड या आज का बुगानी से वो समझ में नहीं आएगा जी। आज जब हम उत्तराखंड को देखते हैं तो हमें वो एहसास नहीं होगा कि आज से 50-60-70 साल पहले इन इलाकों से निकले हुए बच्चे की क्या स्थिति रही होगी या युवा की, कि वो इलाहाबाद गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से लोगों को जोड़ा, उनकी शुरुआत इलाहाबाद में श्रम आंदोलन से होती है, कि उन्होंने कैसे वहाँ के श्रमिकों को जोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे जगह जाना जहाँ की आपको भाषा न पता हो, जहाँ का आपका जीवन न पता हो, और धीरे धीरे वहाँ पर उनका नेतृत्व कर लेना, या उस समाज को उन्होंने कैसे जोड़ा, देखिए कि बहुत जल्दी चीज़ें जुड़ती हैं और टूट भी जाती हैं। मैं बहुगुणा जी का मूल्यांकन दूसरी तरह से करता हूँ। देखिए बाकी तो ठीक है, उन्होंने क्या राजनीति में क्या धारणा थी, क्या ये थी, उनका सबसे बड़ा गुण था कि वो बहुत बिंदुओं को छूते थे, लोगों को छूते थे, और व्यक्तियों से उनका परिचय, छोटी छोटी घटनाओं से उनका जिस तरह से उनका जुड़ाव रहता था, वो मुझे आकर्षित करता था। मैंने उनका 80 के समय का चुनाव भी देखा, और मैं उनको बहुत गौर से देखता था कि वास्तव में नेता जिसके पीछे लोग इतना दीवानगी की हद तक हैं, इस व्यक्ति में क्या ऐसी बात है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब 1980 का चुनाव जीते थे बहुगुणा जी, तो उनकी बहन दुर्गा देवी जी, तो वो चुनाव जीत कर जब गए तो बुगानी में उन्होंने भोज का आयोजन किया था गांव के लोगों के लिए। तो रास्ते में मैं भी उस कार में था जिसमें गए थे वो, तो रास्ते में उन्होंने देखा, उन्होंने कार रुकवा दी एक जगह, तो कार रुकवाई तो उनकी बहन ने कहा कि क्यों रुकवाई, पहाड़ी में कहा कि तूने क्यों रुकवाई कार, उनका देखो दो बच्चे आ रहे हैं। तो उन्होंने बहन ने उनको बड़े उससे कहा, अरे दो बच्चे आ रहे हैं, वहाँ जल्दी हो रही है, क्या उन दो बच्चों के लिए तुम रुकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये दो बच्चे ही मेरी ताकत है, देखो हर बार आते हैं यहाँ पे, नारा लगाते हैं, मेरे से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद वो दो बच्चे आए, सचमुच नारालबाजी करने लगे, और बहुगुणा जी को उन्होंने अभिवादन किया। बहुगुणा जी ने अपनी कार से उनके लिए कुछ लाए हुए थे, और उन दो बच्चों को कहा
फिर कार बच्चे भी चले गए, उनसे पूछा कौन सी क्लास में हो, क्या हो, क्या गाँव वाँव की बातें पूछी। फिर उन्होंने कार जब चलने लगी तो अपनी दीदी से कहा, दुर्गा देवी जी से, कि देखो ये बच्चे ही मेरी ताकत हैं, इन्हें मैं निराश नहीं कर सकता हूँ। बेचारे कितनी दूर से आए, नीचे इनका गांव है और हर बार आते हैं ना, इस बार इनको देर हो गई, वरना पहले पहुंच जाते हैं, मैं इनको ये चीज उनके अंदर थी। तो ये तो बहुत छोटी छोटी घटनाएं मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आज के नेताओं में ये सब अभाव आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका जिस तरह लोगों को छूना, लोगों को बात करना, और उसमें कहीं नाटकीयता नहीं लगती थी। वो हेमवती नंदन बहुगुणा थे और लोग उनके पास कितने कितने मन से जाते थे। मैंने शायद ही राजनीति में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है कि लोग पहाड़ से दिल्ली आते थे तो उनसे इस तरह मिलते थे जैसे कि अपनी बात इनसे कह दी और काम हो गया। गांव की बात, नल की बात, कूपे की बात, हर क्षेत्र की बात, यही उनका व्यक्तित्व था। और इसी ने शायद उनको पुख्ता जमीन दी, पुख्ता इतना बड़ा नेता बना। आज जब हम बात कर रहे हैं हाईटेक भारत की, बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने की, और हम बात कर रहे हैं कैसे भारत हाईटेक बने, लेकिन उस जमाने में आप जरा सोचिए कि क्लास पाँच का बच्चा जो कक्षा पाँच में पढ़ता हो, वो आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक योजना चला रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, वो बहुगुणा जी जब कक्षा पाँच में पढ़ते थे तभी उन्होंने ये मिशन शुरू किया था। इसके लिए कुछ बच्चों के साथ उन्होंने एक टीम बनाई थी और गांव-गांव जाकर वो कोशिश करना चाहते थे, बल्कि किया भी उन्होंने, कि गांव में कैसे पानी पहुंचाया जाए और कैसे गांव की स्वच्छता बरकरार रखी जाए। राजनीति में एक कहावत है कि जो जैसा करता है जनता उसको उतना प्यार करती है, और राजनीति में जाने के बाद जनता उसको ही याद करती है। सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा जी राजनीति में इलाहाबाद में जब आए, जब 1937 में जब उनका सफ़र होता है इलाहाबाद से शुरू, तो उनको कैसे राजनीति में जाने की इच्छा हो जाती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुगुणा का जो प्रारंभिक जीवन है वो गढ़वाल में गुजरा, और गढ़वाल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अगर बहुगुणा चाहते तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और उनको ज़रूरत, क्योंकि उनके जो फादर का उस समय स्टेटस था एक बतौर पटवारी और बतौर तहसीलदार, बाद में वो कानून भी बन गए थे, तो बहुत बड़ा स्टेटस था। उनकी माली स्थिति इतनी कमज़ोर नहीं थी, अगर वो चाहते तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते, बढ़िया स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, और वो चाहते तो अपने पिता के प्रमोशंस के लिए उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी भी कर सकते जैसे सभी लोग कर रहे थे। उनके फादर भी यही चाहते थे संभवतः, कि बहुगुणा इस तरीके से बगावत का तेवर ना अपनाए। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुगुणा जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद देहरादून आए, और देहरादून में उन्होंने नेहरू के जब भाषणों को सुना, तो नेहरू के भाषणों को सुनने के बाद उनके अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति का संचार हुआ। बहुगुणा के लिए जीवन में एक, वो समझिए टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन में, स्वराज आनंद से जुड़ने का एक टर्निंग पॉइंट देहरादून में नेहरू जी के उन भाषणों से उनके अंदर एक स्फूर्ति पैदा हुई, जिसके ज़रिए उन्हें लगा कि मुझे अब गढ़वाल से बाहर निकलना चाहिए, इन झंझटों से, जो पारिवारिक झंझट हैं, जो पारिवारिक झंझावत है, उनसे बाहर निकल करें मुझे कुछ ऐसा इस देश के लिए करना है कि आने वाले समय में हम देश को न सिर्फ स्वराज्य दिला पाएं, बल्कि राजनीति में भी इस देश की शक्ल और सूरत बदलने के लिए मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकूं। जो उनका सिलसिला शुरू हुआ संघर्षों का, उसमें उन्होंने बेतहाशा गरीबी देखी। आप ताजुब करोगे, बहुगुणा जी ने, शायद ये बात किसी को पता नहीं होगी, बहुगुणा जी ने मजदूर आंदोलन में रहते हुए पंचर लगाए। पंचर लगाने के बाद जो पैसे उन्होंने कमाए उससे उन्होंने जीवन बसर शुरू किया। उसी श्रमिक आंदोलन में रह करके बाद में उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों को जोड़ा, जोड़ने के बाद उसी चंदे से श्रमिकों की समस्याओं और संघर्षों का बिगुल बचाया, लेकिन साथ साथ अपनी शिक्षा भी जारी रखी। और बहुगुणा ने आंदोलन में पूर्ण भागीदारी निभाने के साथ साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को सशक्त रखा। और आप ये मानिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर उसके परिवार का हाथ ना हो, जिस व्यक्ति के ऊपर परिवार से किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट का सिलसिला ना हो, वो व्यक्ति वहाँ संघर्ष भी करता है, स्वराज्य के आंदोलन में कूच भी करता है, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट भी बनाता है, उसका अध्यक्ष भी बनता है, डिबेट्स भी कराता है, स्वराज्य आंदोलन के खिलाफ पूरे इलाहाबाद के छात्रों को लामबंद भी करता है, और यही नहीं बल्कि अंग्रेजों को नाकों चने चबा करके 10,000 जिसके ऊपर इनाम हो वो एक अंग्रेजों की नज़र में वो व्यक्ति भी बनता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति स्वराज्य की लड़ाई के बाद MLA बनता है करछना विधानसभा से पहली बार, फिर श्रम उपमंत्री बनता है 1967 में, उसके बाद निरंतर उप मंत्री बनता है उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी द्वारा चयनित होकर के दिल्ली बुलाए जाते हैं, दिल्ली में जब 69 में
सिंडिकेट और इंडिकेट बनती है, उस समय इंदिरा गांधी के प्रत्याशी वराह वेंकट गिरी को वो जितवाते हैं अच्छे मार्जिन से, और इंदिरा गांधी जो उस देश की उस समय प्रधानमंत्री थी उसके जहन में, उनकी नज़र में, उनके सामने अपने आप को एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्थापित करते हैं, साबित करते हैं, जो इंदिरा गांधी अंत में 1972-73 में उनसे खुश होकर प्रभावित हो गए कि केंद्र का उनको संचार मंत्री बनाती है। और यही नहीं, जब पीएसी रिवोल्ट होता है उत्तर प्रदेश में, कमलापति त्रिपाठी पूर्ण रूप से फेल हो जाते हैं उस रिवोल्ट में, बहुगुणा की कार्यकुशलता को, बहुगुणा की संगठनात्मक क्षमता को, बहुगुणा जी की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को, बहुगुणा जी का जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था, जो उनका धर्मनिरपेक्ष अलंबरदार होने का उनका एक विराट व्यक्तित्व था, उससे प्रभावित होकर इंदिरा गांधी उनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, जहां वो जा करके शिया सुन्नी दंगों को ख़त्म करते हैं जो वहां के पारंपरिक दंगे थे। इसके अलावा वहां पर जो बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था उसे ख़त्म करते हैं। ख़त्म कैसे करते हैं, वो तो उनकी दक्षता थी, साथ में शिक्षकों को इतना खुश कर देते हैं कि उनके लिए पे कमीशन स्थापित कर देते हैं, उन्हें प्रमोशंस दे देते हैं। और इन सब के ऊपर जब 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगती है और जयप्रकाश नारायण जो समग्र क्रांति के जननायक थे, जब वो उत्तर प्रदेश आंदोलन कर रहे आते हैं बहुगुणा की सरकार के खिलाफ, वहाँ बहुगुणा उनको रेड कार्पेट वेलकम देते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं। और जिस जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण देश में समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति के मार्फत इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दे दी थी, वो जयप्रकाश नारायण बिना एक आंदोलन करके उत्तर प्रदेश से वापस लौट जाते हैं। ये वो बहुगुणा थे। मैं समझता हूँ कि बहुगुणा न सिर्फ एक राजनेता थे, न सिर्फ एक संघर्षशील स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, न सिर्फ एक पटवारी के बेटे थे जिसने पूरा मुकाम झेल करके एक एक राजनीति के सतह पर पहुंच करके अपने आप को इस देश में स्थापित किया और नाम कमाया, बल्कि उत्तराखंड में पैदा होने के नाते उन्होंने 1975 में जब वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, सबसे पहले हेमवती नंदन बहुगुणा ही वो शख्सियत थे मुख्यमंत्री बतौर जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पृथक राज्य की नींव डाली। आप पूछेंगे कैसे, हेमवती नंदन बहुगुणा वो पहले मुख्यमंत्री थे, वो पहले दूरदर्शी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1975 में पृथक हिल डेवलपमेंट काउंसिल उत्तर प्रदेश में बनाई और उसका एक अलग मंत्री बनाया। उसी दिन से सही अर्थों में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के विकास की नींव रखी गई और उत्तराखंड का विकास शुरू हुआ। गैस उत्तराखंड में भेजी और उत्तराखंड में गैस के चूल्हों का पदार्पण हुआ, वहाँ पर पेट्रोल पंप का पदार्पण हुआ, वहाँ पर संचार मंत्री बतौर बहुगुणा ने बहुत बड़े पैमाने पर पोस्टल सुविधा दी, घर घर गांव गांव में पोस्ट ऑफिस खोले। तो मैं समझता हूँ कि बहुगुणा न सिर्फ इलाहाबाद के थे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे, न सिर्फ इस देश के थे, बल्कि बतौर उत्तराखंडी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका उत्तराखंड के विकास को भी दी है और उत्तराखंड पृथक राज्य की नींव रखने वाला वो एक पहला ऐसी अदद शख्सियत हैं जिनको लोगों को याद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुगुणा ना होते तो उत्तराखंड का जो आज स्वरूप है पृथक राज्य के रूप में शायद वो ना होता। जो नेता आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दे देता है, जो नेता कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ दे देता है, लेकिन वक्त बदलती है, राजनीति अपना चेहरा बदल देती है और ऐसा क्या हो जाता है कि फिर जो एक साथ रहते थे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। नतीजा यहाँ तक आ निकला कि एक दूसरे के सामने तक चुनाव भी लड़ा गया। क्या कुछ था, आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए हिमालय न्यूज़। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं, थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है एक ऐसे राजनेता की जिसने अपनी जिंदगी में राजनीति के लिए बहुत कुछ दिया। बहुगुणा जी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो पत्रकार मौजूद हैं। नेगी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा वेद विलास जी, कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, एक साथ रहते थे छात्र जीवन में ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते थे, उस वक्त के कांग्रेस के नेताओं के साथ वो रहते थे, और आखिर भारती जब इलाहाबाद में जब उनका कार्यालय हुआ करता था उसी वक्त से इलाहाबाद में रहते थे, बहुत अच्छा तालमेल चल रहा था,
अचानक क्यों बिगड़ गया? इंदिरा गांधी, जैसे आपने कहा कि संचार मंत्री बनाती हैं कैबिनेट में, अचानक क्यों इंदिरा गांधी और बहुगुणा जी के बीच में दरार पैदा हो जाती है? दरअसल इंदिरा जी और बहुगुणा जी में पॉलिटिकल रिश्ता बहुत लंबा था, और इसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं कि बहुगुणा जी का जो राजनीति में पदार्पण हुआ और जो स्वराज आंदोलन में बहुगुणा जी कूदे, बहुगुणा जी पूर्ण रूप से नेहरू जी से प्रभावित थे, लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित थे, आनंद भवन से प्रभावित थे, और इस सबसे ऊपर नेहरू गांधी फैमिली से बेशक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन उस समय जो राजनीतिक मूल्य थे स्वराज जी से पहले, उस समय के राजनीतिक मूल्य में और इंदिरा गांधी की राजनीति में आने के बाद जो प्रधानमंत्री पद उन्होंने संभाला, और जब 69 में सिंडिकेट इंडिकेट बनी, उस समय जो हिंदुस्तान की राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में, जो व्यक्तिवाद का सिलसिला शुरू हुआ, जो इंदिरा गांधी के दौर से शुरू हुआ, जिसे कहते हैं हम कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो इंदिरा गांधी ने शुरू की, दरअसल उसके बाद ही बहुगुणा जी का शनय शनय इंदिरा जी से मोहभंग हुआ। इसके इसको मैं साबित करने के लिए, इस कंटेंशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। जब इंदिरा जी बहुगुणा जी से प्रभावित हुई और जब बहुगुणा जी को उन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया संचार मंत्री के बाद, तो आपके जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय जयप्रकाश नारायण जी 1975 के दौरान, जब इस देश भर में एमरजेंसी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था, जयप्रकाश नारायण देश भर में आंदोलन कर रहे थे, जिस समय बहुगुणा के उत्तर प्रदेश में वो गए आंदोलन कर रहे, जिस तरीके से बहुगुणा जी ने उसको डिप्लोमेटिकली हैंडल किया सिचुएशन को, और जयप्रकाश नारायण को अपनी डिप्लोमेसी से, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से इस कदर प्रभावित कर दिया कि जयप्रकाश नारायण एक भी आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र की प्रधानमंत्री इंदिरा जी को खुश होने के बजाय नाराज़गी का दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। इसके पीछे उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी बहुगुणा के खिलाफ इंदिरा गांधी के कान भरे, और इसमें यशपाल कपूर उस ज़माने में होते जो नेशनल हेराल्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के खास सिल्फे सालार थे उस ज़माने में, यशपाल कपूर की एक लॉबी थी जिस लॉबी ने इंदिरा जी के कान उस समय भरे और बहुगुणा जी के खिलाफ एक माहौल पैदा किया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि बहुगुणा सही अर्थों में उत्तर प्रदेश में सही तरीके से काम करें, उनकी वाहवाही हो। यही नहीं बल्कि आप ताजुब करोगे कि जिस समय इंदिरा गांधी पुनः जब जनता पार्टी और चरण सिंह से बिछो हो गया था बहुगुणा का, जब इनको वापस कांग्रेस में लाने के लिए इंदिरा गांधी और संजय गांधी 5 सुनहरी बाग इनके घर में गए, उस समय इंदिरा जी ने स्वयं कहा नेहरू बहुगुणा जी आप छोड़िए, पुरानी बातों को भूल जाइए, और पुनः अब जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में जो आंदोलन पैदा हो रहा है देश में कांग्रेस की पुनः वापसी के लिए, गरीबी हटाओ जब उन्होंने नारा दिया था, तो आप उस समय उन्होंने बहुगुणा से कहा था कि बहुगुणा साहब आप आज हमारे साथ लगिए और हमारे साथ पूरा प्रचार करिए। बहुगुणा ने ये सोचा कि शायद इंदिरा जी अब बातें समझ गई होंगी, शायद पॉलिटिकल रीअप्रोचमेंट की बात वो कर रही हैं, तो पहले से उनमें सुधार आ गया होगा। तो बहुगुणा जी ने, चूँकि उनका बिछो जनता पार्टी की वजह से हो ही गया था, 22 धड़े थे, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से उनका विरोध था उस समय, जिसे जनसंघ कहते थे, तो बहुगुणा जी खुद नाराज चले थे। बहुगुणा जी ने इंदिरा गांधी की बात मानी और पुनः कांग्रेस में वापस आए। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बैठना उन्होंने शुरू किया बतौर मुख्य महासचिव, जो इंदिरा गांधी ने उन्हें विशेष तौर से बनाया था कांग्रेस में लाने के बाद, संगठन से बड़ा पद दिया था, और सबसे बड़ी बात है संविधान में भी अपना रद्दोबदल किया, तो उस समय बहुगुणा जी एआईसीसी में बैठते, तो वहाँ आप ताजुब करेंगे कि इंदिरा जी के कैबिन में इतनी भीड़ नहीं होती थी, संजय गांधी के कैबिन में इतनी भीड़ नहीं होती जितना बहुगुणा जी को मिलने आते थे, क्योंकि पूरे जो उनके चाहने वाले थे वो एआईसीसी में आते थे हज़ारों हज़ारों की तादाद में, तो ये लोग फिर बौखलाना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लॉबी बहुगुणा के खिलाफ इंदिरा गांधी के साथ थी, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से पदच्युत करने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया, वही लॉबी कांग्रेस में बहुगुणा के आने के बाद पुनः सक्रिय हो गया, और उन्होंने फिर यह सुनिश्चित किया इंदिरा और संजय गांधी के कान भरकर कि बहुगुणा का अंत होता, पुनः इंदिरा गांधी का साथ छोड़ना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी का साथ छोड़ने के लिए बहुगुणा की कोई कमजोरियाँ गलतियाँ नहीं थी, बल्कि फैक्ट ये था कि इंदिरा गांधी की जो कोटरी थी, जो सिंडिकेट इंडिकेट के बाद इंदिरा गांधी के अंदर एक इंडिविजुअलिज्म का पुट पैदा हो गया था, उस समय जो उनकी आपस में एक साइकोफेंसी कोटरी बन गई थी, उस कोटरी ने यह सुनिश्चित किया। आप इसको परिवारवाद से जोड़ रहे हैं या फिर इसलिए इंदिरा गांधी नाराज थी कि वो उन्होंने जेपी आंदोलन, जेपी जी को खासतौर पर उन्होंने गले लगा लिया था, और जेपी ही वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया था? ये दोनों बातों में स्पष्ट कराइए कि वो परिवारवाद का मुद्दा था या मुद्दा ये था कि वो जेपी से नाराज। पहले जो एमरजेंसी के टाइम में, जो 77 के बाद और 80 तक का जो सिलसिला था, उसके बाद का सिलसिला दूसरा है, उससे पहले का सिलसिला जब बतौर मुख्यमंत्री थे वो सिलसिला दूसरा है।
फैक्ट ये है, असलियत ये है कि 1975 में जब वो मुख्यमंत्री प्रदेश के थे, उस समय बहुगुणा की अच्छे कामों की वजह से, जैसे उन्होंने पीएससी रिवोल्ट ख़त्म किया, उसके बाद उन्होंने टीचर्स की हड़ताल ख़त्म की, उसके बाद वहाँ पर शिया सुन्नी क्लैशेस जो होते थे वो ख़त्म किए, उसके बाद मुसलमानों का उन्होंने जो है कॉन्फिडेंस गेन किया। तो ये तमाम चीज़ें बहुगुणा जी को इस कदर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर चुकी थी कि इंदिरा गांधी के जो शिल्पसालार उस समय थे, उन्होंने इंदिरा गांधी कान भड़का भड़का के दरअसल इंदिरा गांधी को बहुगुणा के खिलाफ कर दिया। ठीक है, चलिए वेद बिलास जी, ये बताइए, आप इतने बड़े नेता थे उत्तराखंड से, उनका जन्म भी उत्तराखंड में हुआ, आपने नेगी जी ने बताया भी कि उत्तराखंड की सही मायने में नींव उन्होंने ही रखी है, उसके बावजूद भी वो उत्तराखंड से दो बार ही चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादातर टाइम जो होता है या तो इलाहाबाद में बीतता है या तो लखनऊ में। उस समय की राजनीति के तौर पर इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। बहुगुणा जी भले इलाहाबाद से लड़ते थे, लेकिन जो उत्तराखंड में जो राजनीति होती थी उस पर बहुगुणा जी का पूरा असर दिखता था। आप देखिए, जो विधायक चुने जाते थे वो बहुगुणा जी के द्वारा नियुक्त होते थे, बहुगुणा जी के द्वारा उनका नाम प्रस्तावित होता था पार्टी के लिए। ये भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये उसी का उत्तर है कि इसके बावजूद कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, पहाड़ की जनता बहुगुणा जी से संदेश देती थी कि बताइए किसे जिताना है, किसे हराना है। और मुझे जब जब हमने चुनाव देखे तो हम एक या दो प्रत्याशी हारते थे बहुगुणा जी के विधायकों में, बाकी सारे लोग बहुगुणा जी के जीतते थे और उनके सांसद जीते थे, चाहे वो जनता पार्टी का समय रहा हो या उन्होंने जब उसके बाद कांग्रेस में लड़े तब का समय रहा हो, या जो भी राजनीति चलती रही वो बहुगुणा जी के इर्द गिर्द रही, उनका प्रभाव मंडल रहा। अगर आप उनको समर्थकों के बताना चाहेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए खासतौर से, उत्तराखंड अब अलग हो चुका है और वो भी उत्तराखंड से ही थे, तो अब ये बात माननी होगी कि उत्तराखंड से ही वो थे, तो उन्होंने क्या दिया, दो यूनिवर्सिटी उन्होंने दी है और क्या क्या दिया? देखिए, बहुगुणा जी ने सबसे पहले तो एहसास कराना सिखाया उत्तराखंड को। मुझे आज भी याद है कि जब वो कहते थे हिमालय, मैं उनकी सभाओं में जाता था उस समय, स्कूली छात्र होते थे हम लोग, तो बहुगुणा जी जब कहते थे हिमालय झुक नहीं, हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, तो कैसा एक आभास होता था, हमें लगता था कि देखो हमारा नेता है दिल्ली में है। दूसरा एक आप कहते हैं क्या, आज अगर शिक्षक उत्तराखंड में बहुत खुशहाल और अच्छी स्थितियों में है तो इसके पीछे बहुगुणा जी का योगदान है। आप देखिए, उन्होंने जो वहाँ के दूर दराज इलाकों में जिस तरह से संचार और गैस, जो अभी नेगी जी बात कर रहे थे, इस पर ध्यान दिया, विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, लोगों को उन्होंने जागरूक किया। उनके वो ऐसे नेता नहीं थे कि कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बड़ी नीतियां बना के उनका ये, वो व्यक्ति से संवाद करते थे छोटे छोटी बातों पर गांव के स्तर पर, और उनको जुड़ा के उनकी दृष्टि इतनी बड़ी थी, छोटी छोटी सोच को लेकर वो सोचते थे। चलिए, कुल मिला के उन्होंने देश को हर हाल में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की। ये राजनीति का हिस्सा है कि एक राजनेता जो अपनी पार्टी के लिए सब कुछ देता है वो आगे चलकर एक बात के लिए अलग हो जाता है, फिर मान मनोबल के बाद वो अपनी पार्टी में वापस आता है और फिर से अपनी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं और वहीं से उनकी राजनीति करीब करीब समाप्त हो जाती है। आप दोनों हमारे चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक राजनेता जो अपनी पार्टी के लिए सब कुछ देता है, उसकी पार्टी नाराज हो जाती है, उसकी पार्टी उसको ही बाहर कर देती है, बल्कि कहीं वो खुद बाहर चले जाते हैं और फिर पार्टी में मान मनोबल के बाद वो वापस आ जाते हैं। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव होता है और वो चुनाव में हार जाते हैं और वहीं से बहुगुणा जी की राजनीति का करीब करीब अंत हो जाता है। आज की राजनीति में और तब की राजनीति में एक फर्क तो था ही, आज के नेता देश से लेना चाहते हैं लेकिन तब के नेता देश को कुछ देना चाहते थे। इस खास पेशकश में बस इतना ही, नमस्कार।